हेलो गाइस, मैं हूँ सृष्टि और मेरे चैनल सृष्टिस चार्म पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हर कोई सुंदर और जवान दिखना चाहता है, लेकिन बढ़ती उम्र, प्रदूषण और आज के वक्त के लाइफस्टाइल की वजह से हम उम्र से पहले ही बाल सफेद होने के शिकार होने लगते हैं। सबसे ज्यादा आजकल युवाओं में गंभीर चिंता का सब्जेक्ट बन चुका है। ऐसी बहुत सी लेडीज है जिनके बाल उम्र से पहले ही सफेद होने लगते हैं, और ऐसे सफेद बालों को छुपाने के लिए वो यूज करती हैं कलर्स, जो कि एक नॉर्मल और कुछ दिन के लिए इलाज है, लेकिन उससे और भी कई प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं। और इवन मैंने तो आजकल इतना भी नोटिस किया है कि छोटे छोटे एज में बच्चों के बाल मतलब वाइट दिखाई दे रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर लाइफ स्टाइल और जो आज कल का हम लोग खाना खा रहे हैं या विटामिन कम है, जो भी वजह है। तो इस वजह से मैं आज आपके लिए कुछ आसान टिप्स लाई हूँ, जिनसे आप अपने घर में ही अपने बालों को घरेलू नुस्खों से, सफ़ेद बालों से छुटकारा आसानी से और चुटकियों में पा सकते हैं। मैं यहाँ पे चार इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊंगी जो आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करके सब बालों का सफ़ेद होना रोक सकते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है आंवला, जो कि आपको पता है हमारे बालों के लिए कितना अच्छा होता है। आंवला बालों के लिए एक टॉनिक का काम करता है और इसकी भारी मात्रा में विटामिन सी मौजूद होता है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट एजेंट के रूप में काम करता है और इससे बालों को कई तरह के फायदे होते हैं। यह बालों को घना और मजबूत बनाता है और साथ ही साथ बालों की सफ़ेदी भी दूर करता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, नारियल का तेल और आंवला। सबसे पहले आंवला को अच्छे से धो लें और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें। अब नारियल को तेल को एक पैन में डालें और इसमें आंवले के टुकड़े डालकर दोनों को अच्छे से उबाल लें। 10 मिनट तक उबालने के बाद इस मिश्रण को किसी जार में रख दें। फिर जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए तो इस मिश्रण से अपने स्कैल्प की मसाज करें और 1-2 घंटे बाद बालों को शैम्पू से धो लें। हफ्ते में 2-4 बार इस प्रक्रिया को ज़रूर दोहराएं। इससे आपको खुद पे खुद असर दिखता नज़र आएगा कि आपके बाल धीरे धीरे सफ़ेद से ब्लैक हो रहे हैं। दूसरा है करी पत्ता। हाँ, करी पत्ता खाने में आपको पसंद है ना? बस मुझे भी बहुत पसंद है और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आपको लगेंगे 12-15 करी पत्ता और 3 चम्मच नारियल का तेल। विधि बताने से पहले इसके फ़ायदे बता देती हूँ कि आप सफ़ेद बालों के इलाज के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। करी पत्ता बालों में मेलानिन पिगमेंटेशन को बढ़ाता है और इससे अधिक मात्रा में विटामिन बी भी होता है, जिससे बालों के विकास में मदद मिलती है। इसको वो बनाने का तरीका ये है कि नारियल के तेल में करी पत्तों को डालकर उबाल लें। अब तेल को छान लें और ठंडा कर लें। तेल से अपनी स्कैल्प की मसाज करें। 2-3 घंटों बाद शैम्पू से बाल धो लें। हफ्ते में 1-2 बार इस प्रक्रिया को ज़रूर दोहराएं। आगे बढ़ते हैं और तीसरा इंग्रेडिएंट है मेरा अरंडी और सरसों का तेल। यहाँ पर आपको चाहिए 1 चम्मच अरंडी का तेल और 2 चम्मच सरसों का तेल। इसके फ़ायदे ये हैं कि आप सफ़ेद बालों से छुटकारा पाने के लिए अरंडी के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आप सरसों या फिर नारियल का तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अरंडी के तेल में ओमेगा 6 फैट एसिड होते हैं, जो सफ़ेद बालों से छुटकारा दिलाने का काम करते हैं। अरंडी और सरसों को तेल को मिलाकर गर्म कर लें। अब स्कैल्प और बालों पर इसे 10 मिनट तक अच्छे से मसाज करें। लगभग 30 मिनट बाद बालों से शैम्पू से बालों को धो लें। हफ्ते में 2-3 बार इस प्रक्रिया को ज़रूर दोहराएं। चौथा है हमारा ब्लैक टी। यहाँ पर आपको चाहिए 2 चम्मच ब्लैक टी और 1 कप पानी। इसका फ़ायदा ये है कि ब्लैक टी भी बालों के लिए बेहद लाभकारी होता है। अगर आप अपने घर में ब्लैक टी पीते हैं तो आप बालों के लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण प्राकृतिक रंग को बनाए रखने का काम करते हैं और बालों की चमक को भी बढ़ाते हैं। अब जानते हैं इसको कैसे इस्तेमाल करना है। 1 कप पानी में ब्लैक टी को अच्छे से उबाल लें। अब इसे ठंडा होने के लिए रख दें। ठंडा हो जाने के बाद इसे बालों और स्कैल्प पर अच्छी तरह से लगाएं और कुछ मिनटों के लिए मसाज करें। लगभग 1 घंटे के लिए इसे बालों में लगा रहने दें। आप हफ्ते में 2-3 बार इस प्रक्रिया को ज़रूर दोहराएं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, 5वां इंग्रेडिएंट है शीशम का तेल। यहाँ पर भी आपको 2 चम्मच शीशम का तेल लेना है, 2 चम्मच नारियल का तेल लेना है। इसके फ़ायदे बता देती हूँ।
सफेद बालों को वापस काला करने के लिए शीशम का तेल हर्बल रंग के रूप में काम करता है और इससे एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद होता है। आप इस तेल को नारियल के तेल के साथ मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस्तेमाल ऐसे करना है कि शीशम और नारियल के तेल को मिलाकर हल्का गर्म कर लें। अब 10 मिनट तक इसे बालों की मसाज करें। अब तौलिए को गर्म पानी में डालकर निचोड़ लें और फिर 30 मिनट तक इसे बालों को ढक लें। 30 मिनट बाद अपने बालों को शैम्पू से धो लें। आप हफ्ते में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। दोस्तों, ये थे 5 घरेलू उपाय जिसे आप करके अपने बालों को वापस से काला बना सकते हैं और वापस से खूबसूरत हो सकते हैं। और स्पेशली मैं चाहती हूँ कि आप नेचुरली ही ये प्रोसेस करें, कोई भी केमिकल मत लगाएं, क्योंकि वो आपको कुछ दिन के लिए तो ज़रूर आपके बाल काले कर सकता है, बट नॉट फॉर लॉन्ग टाइम। तो अगर आपको लॉन्ग रन के फ़ायदे चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी चैनल पे इस तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। धन्यवाद।